जिसके अंतर्गत भगवान देवती देव महादेव आप जहाँ मेरी उंगली चल रही है वहाँ पर दिखाएं। श्री महादेव जी का सम्मान करते पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने प्रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था, क्या कहा था? सीता जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता को कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहाँ पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त प्रायण का विवाह हुआ। ये प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाओ गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत मथुरा के अंतर्गत जाओ गांव में जाओ और वहां अनेक घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है जहाँ भगवान कृष्ण और राधा विराजमान। तो दीदी ने कहा कि गुरु जी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द करते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ते रहे। तो क्या कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा करेंगे, कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे। कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का बल अश्वत्थामा ने कर दिया। सुनिए कथा। अरे बोले तो जम गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिए, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का शीश काट, ले ये तलवार काट दे शीश अश्वत्थामा। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं मैं इसे नहीं मार सकती, ये मेरे मित्रों का पुत्र है। हाँ, तो इसने तेरे बेटे को मारा ना, तू इसको क्यों नहीं मार सकती? द्रौपदी कहती है, अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? कोई बिच्छू हमें काटेगा तो क्या हम बिच्छू को काट खाएंगे? द्रौपदी कहती है, अगर कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते से दूरी बना लेना चाहिए, कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो और कुत्ते के पास मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो श्वान है? तुम्हें मालूम है श्वान काटे तो श्वान से दूरी बना, श्वान काटे तो हम श्वान को नहीं काटते। कोई अपशब्द बोल रहा है तो अपशब्द नहीं कर सकते, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई, अपने भीतर से उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कर रहा है। पर जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं ब्रज में रहने वाला, एक एक विद्वान ब्राह्मण ब्रज का निवासी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो एक एक पुराण का अध्ययन करे हुए होते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया होगा, ये प्रसंग कहाँ से बोला गया होगा। जिसने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी होगी उसको मालूम है कि हमने ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जब प्रवेश किया था तब हमने हरण घोष का मंदिर देखा है, हम वहां पहुंचे हैं, आज वो स्थापित है, आज विवाह जटिला कुटिला विराजमान, आज विवाह
को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि शिवपुराण में हम भी तो कहते आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए चांद रहता है। प्रतिभा जी धन्यवाद, आपके चक्कर में दुनिया के लोगों को परमा पेपर तो पुराण का दर्शन हो गया। शिव तत्व की प्राप्ति, उसको पहचानो। शिव महापुराण की कथा दो चीजों का आधार करती है, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का, बोलो बोलो जम से बोलो, सम्मान। हमें दूसरे का अपमान नहीं करना, जितना बन सकता है सम्मान के शब्द कहिए। कोई गाली भी देकर चले गया ना तो भी कह दो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुझे गाली देकर गया है ना, उसमें मेरी कोई गलती होगी तो उसने मेरी गलती को चाट लिया है, मेरी गलती को निकाल दिया है। हनुमान जी गए लंका में, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, और लंका में जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करे तो उनको रावण ने पकड़वाया और पकड़कर सभा में बुलाया और अपशब्द कहे, ताने दिए, आड़ आड़ का दिया गया।
बाबा ने स्वीकार कर लिया, जान लिया कि सनातन धर्म एक है। हम तो कई लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि जो जानते हैं कि हमारा शिव शिव है, जानते हैं कि शंकर शंकर है, तो भी वो विचित्र भाव लेकर आ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता, क्या ऐसा हो सकता? ये सत्य हो सकता? हम ब्रह्म में पढ़ते हैं महापुराण, शंकर जी की यह पवित्र कथा लोगों के भीतर का ब्रह्म निकालते हैं। शिव महापुराण सत्य को बताने का प्रयास करती है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सहन नहीं हो पाता। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सहन नहीं हो पाता, लोग उसका विरोध करना प्रारंभ करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और विरोध कौन करता है? जो ज्ञानी है, जिसकी समझ में नहीं है, जिसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है, जो अध्ययन ही नहीं करा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, वो विरोध करेगा। और जो पढ़ा है सोचेगा कि महाराज ने ये बात बोली है, और आज आप लोगों को कह दे पर पीछे नहीं हटूंगा, फिर कहूंगा जितने जितने एक बेल पत्री का भी उपाय अगर बताऊंगा, एक अगर दुर्वा का भी उपयोग बताएंगे, सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग बताएंगे, या एक लोटा जल का भी प्रयोग बताएंगे, काली मिर्च का प्रयोग भी बताएंगे, कमल गट्टे का भी अगर प्रयोग बताएंगे, सफेद पुष्प का भी अगर प्रयोग बताएंगे, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा होगा वही व्यास पीठ से बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चला जाएगा। किसी ना किसी पुराण से, किसी ना किसी शास्त्र से उसको लिया गया होगा, किसी ना किसी स्थान पर उसको पढ़ा गया होगा, और पढ़ने के बाद उसका बताया। क्योंकि करोड़ों लोग, करोड़ों शिव भक्त इस महा